ये है मेरा मेन फैब्रिक जो मुझे डिज़ाइन करना है। इसकी टोटल लेंथ रखूँगी मैं 44 और ये मेरा सारा मेज़रमेंट। इस कपड़े को मैंने 4 फोल्ड में तय कर लिया है। मेरे सूट के तैयार लेंथ 44 इंच है, तो मैं इसका अस्तर करूँगी 43 इंच पर, कट 43 इंच का। और 7 इंच का मैंने इसमें लिया है शोल्डर, और 7 इंच ही लिया है ये। अब 21 सबसे पहला मार्क करेंगे 14 इंच पर, दूसरा 21 इंच पर मार्क करेंगे। मेरा बस्ट एरिया है 34 और इसमें 2 इंच की और लूजिंग करेंगे तो बैठेगा ये 9 इंच। तो 9 इंच पे एक मार्क करेंगे। उसके बाद वेस्ट एरिया है 28 और 28 का चौथा भाग बैठेगा 7 इंच, तो 7 इंच पर एक मार्क करेंगे। उसके बाद हिप एरिया है 9 इंच, आधे इंच की और लूजिंग, तो 9.5 इंच पर इस पर एक मार्क करेंगे। अब 2 इंच का मार्जिन लेंगे और इसके बाद हम इसको कटिंग कर देंगे। कटिंग करके इसमें कट लगा देंगे जिससे कि हम अपने कपड़े मिला पाएँ सही से। पीछे वाले पर्दे को अलग कर देंगे और अब आगे वाले पर्दे की गहराई को हम थोड़ा सा छाड़ देंगे। जो निशान लगा हुआ है इसको हम कटिंग कर देंगे। अब इन्हीं कपड़ों को हम मेन फैब्रिक पर रखेंगे और इनको कट कर लेंगे। मेन फैब्रिक की लेंथ मेरी 44 इंच है, तो मैं इसको टोटल लूँगी 46 इंच, जो हमारा मार्जिन में जाएगा मोड़ते में। 44 इंच है तो 46 इंच हम इसे ले लेंगे। इस सूट को मैंने डबल फोल्ड करके, देखो 1, 2 और 3 और 4, वो डबल फोल्ड आ रहा है तो चारों पार्ट आएंगे इस पर रख देंगे। इस पर हम अपना मेन फैब्रिक को, अस्तर वाला जो हमने कट किया है उसको इस पर प्लेस करेंगे और कटिंग कर लेंगे। थोड़ा एक्स्ट्रा लेते हुए कटिंग करेंगे क्योंकि अस्तर हमारा ऊपर नहीं। अब हम स्लीव कट करेंगे। तो स्लीव की तैयार लेंथ रखनी है 16 इंच, तो हम इसे 17 इंच पे एक मार्क करेंगे। पहले मैंने अस्तर कट कर लिया था, रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई थी उसकी, तो मैं हमें इसे मेन फैब्रिक पे दिखा रही हूँ। और इसको 7.5 इंच की गहराई का हमें काटना है, तो 7.5 इंच हम लेंगे और फिर इसके बाद 3 इंच की मार्क करेंगे और शेप दे देंगे। और इसमें कफ रखना है मुझे 5 इंच, जो आगे की फिटिंग है, तो 5 इंच पे एक मार्क करेंगे और इसको मिला देंगे। तो ऐसे हम इस और इसमें के 1.5 इंच का मार्जिन लेकर उसके बाद कटिंग कर देंगे। अब मैंने अब पहले स्लीव तैयार करेंगे। स्लीव के लिए अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों की सीधी साइड अंदर की साइड रखेंगे और नीचे की साइड से सिल लेंगे हम इसे।
अब ये सिल लिया है, अब इसको हम पलट देंगे। और पलटने के बाद अब हम इसे फिनिश कर लेंगे। इसमें नीचे एक स्टिच और देंगे जिससे ये अच्छे से सेट हो जाएगा। इसमें अब इसके बाद इसमें लेस ऐड करेंगे, एक चौड़ी लेस, फिर दो लेस, फिर एक लेस। अब स्टिच करने के बाद मैं तुमको दिखाती हूँ कैसा। देखिए कितना सुंदर दिख रहा है ये लेस ऐड करने के बाद। मैंने इसमें ऐड कर लिया है, ये देखिए। अब ये लेंगे और इसको हम पेन से सिक्योर कर देंगे जिससे हमारा फैब्रिक और अस्तर, लाइनिंग एरिया, ये दोनों आगे पीछे ना हो। और इसके बाद हम इसे चार ओर से स्टिच कर देंगे। अब हम फैब्रिक लेंगे सूट का फ्रंट पार्ट, और फ्रंट पार्ट में हम नीचे इसको लें और नीचे का ये मोड़ने वाले पार्ट को छोड़ के इसको हम मार्क कर देंगे। देखो ये मार्क कर लिया है मैंने। इसमें लेस ऐड करने के लिए 7 लाइन मार्क करिए। पहले एक समोसा लेस लगाएंगे, फिर दो सिंपल वाली, और फिर एक समोसा लेस ऐड करेंगे, फिर दो सिंपल, फिर एक समोसा लेस ऐड करेंगे। ये देखिए मैंने इसमें इसको ऐड कर लिया है नीचे का मार्जिन छोड़ते हुए। अब हम लाइनिंग एरिया लेंगे। लाइनिंग एरिया में नीचे वाले पार्ट को फोल्ड कर देंगे, इसको स्टिच दे देंगे, और अब इसको मेन फैब्रिक पर रखेंगे स्टिच देने के बाद, और इसको पिन से सिक्योर कर लेंगे। अब इसे हम स्टिच कर देंगे, चार ओर से इसे हम पक्का कर देंगे, नीचे का पार्ट छोड़ देंगे। ये नेक कट करेंगे। नेक कट करने के लिए पेपर ले लिया है, पेस्टिंग पेपर, और इसको डबल फोल्ड कर लिया है। डबल फोल्ड करके मैं नेक की चौड़ाई रखूँगी 6 इंच, 6 इंच का आधा लेंगे 3 इंच, तो इसे हम 3 इंच पर मार्क कर देंगे एक, और इसकी गहराई रखनी है 7.5 इंच, तो 7.5 इंच पर एक मार्क करेंगे, और उसके बाद 1 इंच, 7.5 इंच पर मार्क करने के बाद 1 इंच मार्जिन ले लेंगे और इन लाइन को स्ट्रेट कर देंगे। और डिज़ाइन बनाने के लिए फिर इसको ऊपर से 4.5 इंच पर एक मार्क करेंगे। ये 4.5 इंच का एक मार्क लगाया, और इसको अपना जैसा गला का डिज़ाइन देना है वैसा शेप दे देंगे। अब इसे कट कर लेंगे। ये पेपर लाइट पेपर है, तो इसको कट करने के लिए ठीक से मैं पेन से सिक्योर करूँगी और उसके बाद कटिंग कर देंगे। बैक नेक भी कट कर लेंगे, 3 इंच पर एक मार्क करेंगे, और 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, और इसकी डीपनेस रखनी है 8 इंच, तो 8 इंच पर एक मार्क करेंगे।
इन लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। अब जो हमें शेप देना है वो शेप को एक ड्रॉ कर लेंगे और 1 इंच का मार्जिन देते हुए इसको हम ड्रॉ कर लेंगे और फिर कट कर देंगे। इन पीसेस को डाइनिंग फैब्रिक पर रखेंगे और आयरन कर लेंगे जिससे इस पर पेस्ट हो जाएंगे। और इसके बाद हम इसको कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद इसको हम मोड़ देंगे एक सिलाई से आगे पीछे दोनों के नेक पार्ट को और इनका सेंटर फाइंड करके एक कट लगा देंगे। अब अपने सूट के फ्रंट पार्ट को लेंगे और इसको सीधा करके इसके ऊपर नेक को रखेंगे, सेंटर से सेंटर मिला के रख देंगे। ऐसे ही पीछे वाले पार्ट में भी उसके सीधा पार्ट पर और नेक को ऐसे ही प्लेस करेंगे जैसे दिखा रहे हैं। प्लेस करने के बाद सेंटर सेंटर मिलाकर और इसको सिल देंगे, एकदम किनारे किनारे से सिलना है बचाते हुए अपने पेस्टिंग पेपर को। देखिए मैंने सिल लिया है और अब हम इसको कटिंग कर लेंगे साइड से थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा छोड़ते हुए। अब कटिंग करने के बाद इसमें छोटे छोटे से कट लगा लेंगे और कट लगाने के बाद हम इसे पलट देंगे। ये देखिए ऐसे ही आगे और पीछे दोनों के पार्ट्स को हम तैयार कर लेंगे। तैयार करने के बाद आगे के पार्ट में हम ले सेट करेंगे। इस तरीके से रखते हुए इसको हम स्टिच कर लेंगे। इसमें क्या करें, पहले खोलकर इसको हटा देंगे और अब ले सेट करेंगे इसमें हम। बहुत सफाई से ऐड करते हुए थोड़ा सा इसमें झोल आता जाएगा तो उसको थोड़ा थोड़ा सा खींचते हुए, नॉर्मल वाली सिलाई है मुझे तो अपना एक हाथ से चलाना पड़ता है, और किनारे पर इसको फुटर को उठाते हुए मोड़ते जाएंगे और सफाई से लगाते जाएंगे। अब इसे सीधा कर देंगे और ये देखिए इसका लुक कुछ ऐसा आ रहा है। अब ऐसे ही हम इसमें दूसरी लेस भी ऐड कर देंगे। इसी तरह से पीछे वाला पार्ट भी हमने तैयार कर लिया है। ये दोनों पार्ट मेरे तैयार हो गए हैं, ये देखिए। अब हम इन दोनों पार्ट्स को अब जोड़ देंगे, कंधे से कंधे मिलाएंगे, थोड़ा डाउन करते हुए हम इन्हें जोड़ेंगे। लेकिन जोड़ेंगे कैसे कि हमारे जोड़ दिखे ना, तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए एक साइड का ये खोल लेंगे अपना गला जो बनाया और दूसरे साइड को हम ऐसे ही रखेंगे और इसको हम ऐसे स्टिच दे देंगे। ये देखिए एक ओपन कर रखा है और दूसरा पूरा ही ऐसा है। अब एक दूसरे से मिलाते हुए एकदम स्टिच कर देंगे और इसके ऊपर डबल सिलाई लगा लिया है। अब इसे मोड़ कर फोल्ड कर देंगे। ये देखिए
अब इससे क्या है पता नहीं चलेगा कि हमारा जोड़ कैसे लगा एकदम अच्छे। अब इसमें हम स्लीव्स अटैच कर लेंगे, अपना फ्रंट पार्ट लेंगे। मैंने फ्रंट फ्रंट लिख दिया और स्लीव में भी फ्रंट पार्ट लिख दिया जैसे कन्फ्यूज़न ना हो। तो देखें कैसे सीधे से सीधा मिला के और इसको अब स्टिच कर देंगे। सेंटर से सेंटर मिलाएंगे, सेंटर का भी कट पार्ट कट कर लिया बीच में से जैसे कि कन्फ्यूज़न ना हो। तो सेंटर से लेते हुए आधी सिलाई लगाएंगे और बाद में दूसरी साइड सिलाई लगा देंगे। मैं स्लीव्स अटैच कर दी हैं। अब इसमें स्लीव अटैच करने के बाद फिटिंग की सिलाई लगा देंगे हम दोनों साइड से, पूरा स्लीव से लेते हुए और चाक एरिया तक सिलाई लगा लेंगे। साइड से फिटिंग और नीचे से मोड़ने के बाद, तुरपाई करने के बाद देखिए ये सूट कितना प्यारा लग रहा है। इसमें फ्रंट से मैंने दूसरा लेस हटा दिया है क्योंकि उसका लुक अच्छा नहीं आ रहा था, और बैक पार्ट में भी डोरी को ऐड कर दिया है। ये देखिए